बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज बना रही हूँ मैं चिकन निहारी। उसके लिए हम निहारी का स्पेशल मसाला पीस लेंगे। उसके लिए हमें चाहिए 1 टेबलस्पून होल कोरिएंडर, 1 टेबलस्पून सौंफ है, 1.5 टीस्पून जीरा है और 1/4 टीस्पून जायफल पाउडर मैंने ले लिया है और 1/4 टीस्पून जो है मैंने जावित्री का पाउडर ले लिया है। 3 बड़ी इलायची हैं, 1 टीस्पून साबुत काली मिर्च है और 6 से 7 लौंग और 1-2 इंच का टुकड़ा जो है वो दालचीनी का है। अब हम इन तमाम चीज़ों को ग्राइंड कर लेंगे, इनका पाउडर बना लेंगे तमाम चीज़ों का। ज़बरदस्त सा मसाला पिस गया है निहारी का, बिल्कुल बारीक मसाला जो है पिस गया है। अब इस मसाले में 1/2 टीस्पून हल्दी, 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर एंड 1.5 टीस्पून कश्मीरी मिर्च, नमक 2 टीस्पून और अकॉर्डिंग योर टेस्ट, 1 टीस्पून इसमें सौंठ पाउडर है वो शामिल करेंगे। इनको मिक्स कर अब एक पैन में मैं 3/4 कप जो है वो ऑयल लूंगी। अब इसमें 3-3.5 पाउंड के करीब चिकन शामिल करेंगे। मैंने थाइज ली हैं, आप ब्रेस्ट का भी गोश्त यूज कर सकते हैं। अब चिकन को हम ऑयल में फ्राई करेंगे। चिकन को हमने अच्छी तरह फ्राई करना है। चिकन को मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है, ये देखें थोड़ा थोड़ा गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब इसमें मैं लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करूंगी। 1 टीस्पून मेरे पास अदरक है और 2 टीस्पून मैंने लहसुन के लिए हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करके मैं इसकी 1 से 2 मिनट अच्छी तरह भुनाई करूंगी। 2 से 3 मिनट भुनाई करते हुए हो गए हैं। अब इसमें मैं तमाम ड्राई मसाला जहाँ शामिल करूंगी, ये जो मसाला मैंने बना के रखा था निहारी का, ये सब इसमें शामिल कर देंगे। साथ ही इसमें 1 टेबलस्पून पानी शामिल करेंगे और इसकी भुनाई करेंगे ताकि मसाला नीचे ना लगे। 2 टेबलस्पून और पानी शामिल करूंगी और इसकी भुनाई करते जाएंगे। अब इसमें 2 टेबलस्पून पानी और शामिल करेंगे और इसकी भुनाई करते जाएंगे। इसमें मैंने थोड़ा थोड़ा करके तकरीबन 6 टेबलस्पून पानी डाला है और साथ साथ भुनाई कर दी गई हूँ। तकरीबन 5 से 7 मिनट तक मैंने इसकी अच्छी तरह भुनाई की है। अब हम इसमें पानी लगाएंगे। अगर आपको ज़्यादा ग्रेवी चाहिए तो आप ज़्यादा भी पानी डाल सकते हैं। मैं नॉर्मल एक ग्रेवी जैसे होती है वो बना रही हूँ, तो मैं इसमें 5 कप पानी डालूंगी। 5 कप पानी इसमें मैंने शामिल कर दिया है। अब इसे मैं मीडियम फ्लेम पर कवर करके 30 से 40 मिनट तक पकाऊंगी, जब तक अच्छा सा चिकन जो हमारा टेंडर हो जाए। अब हम आटे और पानी का मिक्सचर बना लेंगे। 1/2 कप मैंने जो है वो आटा ले लिया है, इसको अच्छी तरह से देख लें कि इसमें गुठलियाँ तो नहीं हैं। अब इसमें पानी शामिल करेंगे। तकरीबन इसमें मैंने 1.5 कप पानी शामिल किए। चिकन जबरदस्त हमारा गल गया है। अब आंच को मैंने मीडियम कर दिया है और इसमें थोड़ा थोड़ा करके आटा शामिल करेंगे और मिक्स करते जाएंगे। साथ साथ चम्मच चलाते रहें। अब और आटा शामिल करेंगे। आटा शामिल करते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। देखिए कितनी अच्छी जो है ये रेडी हो गई है। अब इसको कवर करके लो फ्लेम पर दम लगा देंगे। अब एक पैन में हम जो 1/4 कप ऑयल लेंगे,
इसमें एक मीडियम प्याज मैंने कट करके शामिल किया है। इसे फ्राई करेंगे ब्राउन होने तक और इसका फिर तड़का लगाएंगे निहारी में। अनियन ऑलमोस्ट ब्राउन हो गया है, अब हम इसका तड़का लगाएंगे। अब हम इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे और 3 से 4 मिनट तक मैं इसे दम लगा दूंगी कवर करके लो फ्लेम पर। मज़ेदार सी चिकन निहारी रेडी है। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ और वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियोस को और शेयर करें प्लीज़।